गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे सुबह के 7:17। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वेल हेलो नमस्ते, केम छो, स्वागत है आपका धर्मेश पी व्लॉग में। सो खेत से मूंगफली उठाते उठाते अभी दूसरे काम में लग गए हैं। देखिए यहाँ पर भर का काम स्टार्ट कर दिया है और सुबह में जल्दी से वहां से स्टार्ट कर दिया था। सो अभी यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, अभी वहां तक थोड़ा ही बाकी है, फिर दूसरी लाइन तीसरी ऐसे ही चलता रहेगा जब तक बहुत ही ज्यादा धूप नहीं निकलेगी तब तक, वरना ये सूख गए हैं इसलिए मूंगफली के डुडवे इसमें से टूट जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से निकल जाते हैं। सो चलो अभी फिर से स्टार्ट कर देते हैं हमें। सो देखिए तीनों लगे हुए हैं, मम्मी पापा और सिस्टर, और यहाँ से लेके वहां तक बना दिए है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भर बना दिए है। सो अभी इतनी देर से पानी नहीं पिया है इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए। सो चलो पानी लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर से स्टार्ट कर देंगे। सो चलो पहले घर पे जाके पानी का वासन ढूंढता हूँ और पानी ले लेता हूँ। सो देखिए पानी का वासन मैं ले आया हूँ और अभी सभी रेस्ट कर रहे हैं और पानी पी रहे हैं। और देखिए यहाँ से वहां तक 9 भर बन गए हैं अभी। सो वहां से यहाँ तक में 22-23 भर बनते हैं, लेकिन इस साल यहाँ तक पहुंच गए तभी मैं 10 ही बने हैं। मतलब इस साल बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है मूंगफली, आधा फर्क पड़ने वाला है सूखे चारे में भी और मूंगफली में भी। सो ऐसा कुछ है, अभी रेस्ट कर रहे हैं उसके बाद फिर से लग जाएंगे। सो रेस्ट करके वापस लग गए हैं देखिए। और कल हमारे पुराने घर से मैं ले आया था ये वाला इम्प्लीमेंट, शायद आपको पता हो। सो इसका इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं देखिए। एक भर कंप्लीट हो चुका है, अभी दूसरा मेरी मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है।
और मैं और पापा भी ये खत्म कर देंगे। यहाँ ये देखिए इसका उपयोग इस्तेमाल क्या होता है, जब ये भर बहुत ही ऊपर हो जाता है तो इससे अच्छे से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और हाथ नहीं पहुँच सकते वहाँ तक, इसलिए उसका इस्तेमाल होता है। तो देखिए लास्ट बार कच्ची मूंगफली खा रहा है, यहाँ पर जो हमारा पाइप का ढक्कन है वहां से निकाला है, वहां पर निकाला नहीं था, सो अभी हाथों से निकाला है। तो देखिए अभी कच्ची मूंगफली खा रहे हैं सभी लोग। तो दो लाइन कंप्लीट कर दी है देखिए भर की, टोटल 26 भर हुए हैं। सो चलो अभी कितने बजे, 10:30 बजने को आए हैं। सो मेरे पापा चाय पी लेते हैं और हम थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं हर बार की तरह, फिर उसके बाद जो हमने पातली चलाई है बेलों से उसमें मूंगफली इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पर हमने बैंगन बोई थी कहीं दिनों पहले। सो देखिए ये वाली और ये वाली, उसमें बैंगन आना स्टार्ट हो गए है। ये देखिए इसमें तो इतना बड़ा आया हुआ है, और ये जब बोया था तभी ये छोड़ ही बड़ा था, पौधा ही बड़ा था ये। तो देखिए इसमें आने लगे हैं, और इसमें ये तो छोटा सा है लेकिन देखिए कितने आ चुके हैं। सो हम सभी लोग नाश्ता कर रहे थे और मेरे पापा ने तो चाय पी ली थी, इसलिए देखिए वो अभी यहाँ पर गुआर के 4 छोड़ है उसमें लगे हुए हैं, चलो आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इतना अच्छा गुआर निकल गया है इसमें, इतना तो निकाल भी लिया मेरे पापा ने। सो हमारे फैमिली के लिए एक दिन की सब्जी हो जाएगी इसमें से। देखिए सिर्फ 4 ही छोड़ है, ये 1, 2, 3 और 4, इसमें बहुत दिख रहा है। और इसमें पानी कब डाला है लास्ट बार वो भी हमें पता नहीं है, फिर भी इतने बढ़िया निकले हैं देखिए। सो अभी मेरे पापा ने चाय पी ली थी इसलिए वो अभी निकालने लगे। सो अभी शाम को सब्जी हो जाएगी इसकी, देखिए इतना बढ़िया गुआर है। सो देखिए मूंगफली उठाना स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके के पीछे बैग लगा रखे हैं, उसमें डालते जाते हैं मूंगफली जो भी हाथ से इकट्ठा करते हैं वो, और यहाँ पर ओपनर रखते थे, मैंने आपको आगे के वीडियोस में भी बताया है। तो यहाँ पर बहुत सारी मूंगफली दिख रही होगी आपको, देखिए ये देखो। तो अभी दोपहर होने ही वाले हैं ऑलमोस्ट, और देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहुंच गए। मेरी मम्मी के पास मेरी रो बाकी है, सो चलो वो लेने में लग जाता हूँ वरना बहुत पीछे रह जाऊंगा मैं।
वहां तक निकाल दी है मैंने। अभी दोपहर हो गई है सो अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर से यहीं से वहां तक लग जाएंगे वापस। और मूंगफली इसमें तो इतनी निकल भी नहीं रही है, यहाँ पर सिर्फ इतने में ओपनर रखते हैं हर बार, इसलिए होती है, वरना आगे ये सभी में तो इतनी है ही नहीं। और हमारे पास तो बेल है इसलिए कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन जिसके पास मिनी ट्रैक्टर वगैरह होते हैं और उससे चलाते हैं इसमें इम्प्लीमेंट, सो फिर उसमें तो जितना ईंधन लगता है उतनी तो मूंगफली होती ही नहीं है, सो ऐसा कुछ है। लेकिन हमारे पास तो बेल है इसलिए ऐसा चलता है, और फिर इसमें जीरा बोएंगे तो उसमें फिर से ये मूंगफली उगने लगेगी, तो वापस उसे निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि अभी ही कलेक्ट कर ले, सो उसके भी पैसे मिल जाएंगे, वरना वो तो सिर्फ फोकट जाएगा, वो पशु भी नहीं खाते क्योंकि कच्चा होता है, इसलिए पशु को नहीं देना चाहिए। सो आज देखिए छाछ कैसी बढ़िया सी मिल रही है दोनों कटड़ियों को, मक्खन भी नहीं निकाला हुआ है इसमें से, क्योंकि आज बीज है भाई दूज है इसलिए। तो चलो ये सब ये दोनों पी लेंगे, अभी पूरा खत्म कर लेंगे। तो चलो अभी हम भी खाना खा लेते हैं। सो दोपहर तो कब की हो चुकी थी, लेकिन अभी आपको तो पता ही मैं कहाँ पर चला जाता हूँ, जॉब पे गया हुआ था। सो देखिए जीरा ले आया हूँ, जीरा का बियारण सीड्स, सो वो अभी बोएंगे तब आपको बताऊंगा कौन सा बियारण है और क्या कुछ है, अभी से रिवील नहीं करेंगे। सो देखिए अभी वहां पर मेरे मम्मी पापा और सिस्टर मूंगफली निकाल रहे हैं, तो चलो यहीं पर चलते हैं, कितनी निकाल क्या कुछ है वो आपको बताता हूँ। तो देखिए आ ही रहे हैं सभी लोग, चलो पूछते हैं कितनी निकाली क्या कुछ है। सो देखिए ये हमने इम्प्लीमेंट चलाया था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अभी मूंगफली इकट्ठा करने सिर्फ ये भर बनाए है हमने, वो लाइन में ही बाकी है। यहाँ पर देखिए यहाँ से इतने में बाकी है, उस तरीके की एक लाइन दो तीन चार पांच और पांच पांच लाइनें बाकी है, वही सिर्फ निकालनी बाकी है। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, बाय बाय।